नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पावर शेयरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। फेमिलाइज विद द सेंट्रलिटी ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। सेकेंड वन, अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ स्पेशल एंड सोशल पावर शेयरिंग मैकेनिज्म। बहुत सारी कंट्रीज ने पावर शेयरिंग कि कौन से मॉडल को अपनाया है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं पावर शेयरिंग के, वो भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ब्रॉडली इस चैप्टर को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पावर शेयरिंग है क्या। देन दो कंट्रीज की केस स्टडी करने वाले हम, श्रीलंका और बेल्जियम। श्रीलंका में पावर शेयरिंग का कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया गया या वहाँ पे पावर शेयरिंग किस तरह से की गई, और बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस तरह से की गई, और इन दोनों के आउटकम्स क्या हुए, और अल्टीमेटली हम जानेंगे कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, एंड लास्ट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। वाई पावर शेयरिंग? डेमोक्रेसी और पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर लोकतंत्र है तो वहाँ सत्ता का बंटवारा जरूरी है। अगर सरकार के विभिन्न अंगों में, स्तरों में या विभिन्न संस्थाओं में शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया तो डेमोक्रेसी इतने अच्छे आउटकम्स नहीं देगी। बेसिकली यहाँ हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उसके तीन ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग कैसी है। हालांकि पावर शेयरिंग इज नॉट कन्फाइंड टू थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट डेमोक्रेसी में पहले सबसे पहले ये जरूरी है कि जो सरकार बनी है उसमें जो उसके तीन ऑर्गन्स है उनके बीच में सही तरह से पावर शेयरिंग होनी चाहिए। व्हाट इज पावर शेयरिंग? व्हेन द पावर डज नॉट रेस्ट विथ वन ऑर्गन, लेवल, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, रादर इट इज शेयर्ड अमॉन्ग ऑर्गन्स, लेवल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। जब जो पावर है वो सरकार के किसी एक अंग, मीन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, या उसका कोई एक लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस, किसी भी तरह की वो संस्था हो सकती है, उसके साथ नहीं रहेंगे। सारे ऑर्गन्स के बीच में, सारे लेवल्स के बीच में और विभिन्न संस्थाओं को पावर दी जाती है तो उसे हम पावर शेयरिंग कहते हैं। सो इट इज़ अ इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा, अगर पावर शेयरिंग सही तरह से नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? सिविल वॉर। सो व्हाट इज सिविल वॉर? अ वायलेंट, जिसमें हिंसा इन्वॉल्व है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपियर्स लाइक अ वॉर। कंट्री के अंदर बहुत सारे सोशल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप रहते हैं, मेजोरिटी ग्रुप होता है, माइनॉरिटी ग्रुप होता है। अगर आपने वहाँ पे सभी लोगों को पावर में एडिक्वेट शेयर नहीं दिया तो वो आपस में लड़ने लगेंगे और ये जो लड़ाई है वो वॉर जैसी हो जाएगी, तो उसे ही हम सिविल वॉर कहेंगे। तो पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, उसका एक पहला रीज़न है टू अवॉइड सिविल वॉर। जैसा हमने पहले ही टॉपिक में देखा था कि यहाँ इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज की केस स्टडी करने जा रहे हैं, श्रीलंका एंड बेल्जियम। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में देखेंगे। किसी भी कंट्री को जब आप पढ़ते हैं तो
तो उसे एक बार आप एटलस में जरूर देखिए। सो बेल्जियम इज ए यूरोपियन कंट्री एंड इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। मैप में आप देख सकते हैं नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस। उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है, ये आपको लर्न होना चाहिए। दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेमोराइज बाय यू। अगर मैप में आप देखेंगे तो जो द एरिया कलर्ड विथ येलो, इसे फ्लैमिश रीजन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। सो डच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ बेल्जियम। ऑल्दो बेल्जियम हैज़ 3 ऑफिशियल लैंग्वेज, डच, जर्मन एंड फ्रेंच। डच इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नीदरलैंड। सो जो येलो एरिया है, आप देखेंगे यहाँ पे 59% पीपल रहते हैं एंड दे आर डच स्पीकिंग। जो रेड कलर एरिया है, द एरिया विच इज़ कलर्ड विथ रेड, यहाँ पे 40% पीपल रहते हैं एंड दे आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। एंड द एरिया विच इज़ कलर्ड विथ रेड एंड ब्लू लाइन, यहाँ इस तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1% पीपल रहते हैं एंड दे आर जर्मन स्पीकिंग। सो वेरी कॉम्प्लेक्स, नॉट मच कॉम्प्लेक्स एज वी हैव इन इंडिया। वी इन इंडिया पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। एक बार फैक्चुअली वापस पढ़ लेते हैं। 59% पीपल लिव इन फ्लैमिश एरिया एंड स्पीक डच लैंग्वेज। 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। एंड 1% पीपल स्पीक जर्मन। कैपिटल जो मैंने पहले आपको बता दिया था, उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है। वहाँ थोड़ा कंट्री से अलग सिनेरियो है। वहाँ पे जो मेजोरिटी ग्रुप है वो फ्रेंच है और जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो डच है। एक बार वापस हम एक दो वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। जो भी द पीपल हु आर इन मोर इन नंबर आर कॉल्ड मेजोरिटी ग्रुप ऑफ कंट्री एंड द पीपल हु आर लेस इन नंबर आर कॉल्ड माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ कंट्री। इट कैन बी अ लिंग्विस्टिक ग्रुप, इट कैन बी अ रिलीजियस ग्रुप, इट कैन बी अ कास्ट एंड बट वट एथनिक इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन। एथनिक को समझ लेते थोड़ा, इट इज़ अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। जब किसी भी एरिया में अलग अलग कास्ट के रिलीजन के लोग हो सकते हैं, वो लंबे समय से साथ में रहते हैं तो उनके कस्टम्स कुछ एक जैसे हो जाते हैं, उनकी कल्चर कुछ एक जैसी हो जाती है, तो वो एथनिक ग्रुप फॉर्म करते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट्स बिकॉज ऑफ सिमिलिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दे नीड नॉट टू ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। तो इस तरह से हमने देखा कि वहाँ फ्रेंच जो है वो ऐसे माइनॉरिटी में है, लेकिन दे आर वेरी रिच एंड पावरफुल। दे आर सर्टेन रीजन बिहाइंड देयर प्रॉस्पेरिटी। उन्होंने हिस्टोरिकली ही सारे वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है या ट्रेड वगैरह है उसको उन्होंने ओन कर रखा था, इसलिए सारा प्रॉफिट उन्हें मिला। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तब भी उसका सबसे ज़्यादा फायदा फ्रेंच को मिला, इसलिए वहाँ पर जो गल्फ बिटवीन फ्रेंच एंड डच है वो बढ़ता गया और धीरे धीरे वो वहाँ पे सोशल टेंशन क्रिएट हो गया। डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर्स। दैट्स व्हाई द फ्रेंच वर मोर प्रॉस्परस एंड मोर पावरफुल इन बेल्जियम। सो एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं, वहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो कौन सा है, फ्रेंच, और जो मेजोरिटी ग्रुप है वो कौन सा है,